पुराण जिसके बारे में लगभग हम सब ने सुना ही होगा। यह विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच होने वाले संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात होने वाले सभी गतिविधियों के बारे में बताया गया है, जैसे मरने के बाद में क्या क्या होता है और आपके कर्मों के अनुसार आपको कौन कौन सी सजाएं मिलती है। स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ के आधार पर बताया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से अपने कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं के ऊपर आधारित है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क में कौन कौन सी यातनाएं यानी सजाएं दी जाती है। इन भयानक यातनाओं में पहले नंबर पर आती है तमिस्त्रम। तमिस्त्रम जो गरुड़ पुराण में दी जाने वाली सबसे पहली यातना है। इस यातना के अनुसार कहा जाता है कि जो लोग दूसरे लोगों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमराज के दूत रस्सी से बांधकर नर्क में मारते हैं। अत्यधिक मार खाकर अगर वे बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के पश्चात उन्हें फिर से पीटा जाता है। जितना आपका खराब कर्म होगा उतनी ही आपको मार खानी पड़ेगी। दूसरी यातना तप्त मूर्ति। इस यातना के अनुसार जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं तो उन्हें यमराज के दूत द्वारा नर्क की गर्म आग में जिंदा जलाया जाता है। जिंदा जलाया जाना कितना पीड़ादायक होता है ये आप सभी जानते हैं। तीसरी यातना अंततम त्रशम। गरुड़ पुराण के अनुसार यह हिस्सा नर्क में उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने वैवाहिक जीवन में प्रतिदिन एक दूसरे को धोखा देते हैं, जो अपने पति या पत्नी के साथ तभी तक रहते हैं जब तक उनके पास पैसा है और खुशी है। इस यातना में तमिस्त्रम जैसी सजा देने का प्रावधान बताया गया है जिसके अंतर्गत पति या पत्नी को यम के दूत बांधकर नर्क में पीटते हैं। चौथी यातना रोरावम। रोरावम यातना के अनुसार ये यातना उन पापियों के लिए होती है जो दूसरों के पैसों पे ऐश करते हैं और उनकी सभी खुशियां छीन लेते हैं। इस यातना के अनुसार उन पापियों को सांपों से भरे एक कुएं में धकेल दिया जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक उन्हें अपने कर्मों का एहसास नहीं हो जाता। अगली यातना है कुंभीपाकम। गरुड़ पुराण की ये यातना सबसे भयानक है। कुंभीपाकम यातनाएं उन लोगों को दी जाती है जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों को मारते हैं और बेजुबान जीवों से ईर्ष्या रखकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को नर्क में यमदूत खोलते हुए तेल में जिंदा जलाते हैं। जब हमारे शरीर पे थोड़ा सा खोलता हुआ तेल गिर जाता है तो उससे होने वाली जलन को हम सब जानते हैं। तो सोचिए पूरे शरीर को अगर खोलते तेल में जलाया जाए तो क्या होगा। गरुड़ पुराण की अगली सजा काला सूत्रम। काला सूत्रम के अनुसार ये सजा उन लोगों के लिए है जो लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, अपने माता पिताओं को पीटते हैं। उन पापियों को नर्क के आग में डुबाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी पूरी खाल पूर्णतः निकल ना जाए। अगली सजा है अंधकूपम। यह सजा उन लोगों के लिए होती है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और जिन्हें अच्छे लोगों को परेशान करने में मजे आते हैं। अंधकूपम यात्रा में उन्हें एक ऐसे अंधेरे कुएं में डाल दिया जाता है जिसके अंदर कई खतरनाक जानवर और सांप बसे रहते हैं। गरुड़ पुराण की अगली सजा असिता पत्रम। यह सजा उन लोगों के लिए है जो लोग अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीली धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और उसके बाद उनके शरीर पे कोड़ों की बरसात की जाती है और उसके पश्चात भी उनके जख्मों पे नमक लगाया जाता है। गरुड़ पुराण की अगली सजा सलमाली। सलमाली यातना उन लोगों को दी जाती है जो लोग अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाते हैं या किसी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर किसी के साथ लालसा युक्त कर्म करते हैं। उन लोगों को नर्क में यमदूत बहुत ही बुरी तरह सजा देते हैं। इन सजाओं के अनुसार यमदूत उन लोगों की जनन अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डालते हैं और
इतना सब होने के पश्चात भी उन्हें बांधकर पीटा जाता है। अगली सजा क्रीमी भोजनम। क्रीमी भोजनम सजा उन लोगों के लिए है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। क्रीमी भोजनम के अनुसार उन्हें कीड़े व सरीसृप के सामने फेंक दिया जाता है और कीड़े व सांप उन्हें धीरे धीरे करके खा जाते हैं। गरुड़ पुराण की अगली यातना पुयो दुकम। यह यातना खासकर मर्दों के लिए रखी गई है। इस यातना के अनुसार ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मल मूत्र से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। इसके पश्चात उन्हें मल या मूत्र खिलाया और पिलाया भी जाता है। गरुड़ पुराण की अगली सजा वैतरणी। इसी यातना के अनुसार ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है उन्हें एक नदी से होकर गुजरना पड़ता है। माना जाता है यह नरक की सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून और कई अन्य गंदी चीजें पाई जाती है। इस सजा के अनुसार जो भी पापी होता है उसे यह सभी चीजें खानी पड़ती है। गरुड़ पुराण की अगली सजा राक्षसों भोजनम। इस यातना के अनुसार ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद में उसका मांस खाया हो, उन लोगों को नरक में लाया जाता है और उन पापियों द्वारा जितने भी जीव मारे गए हैं वे सभी नरक में उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात वे सभी जीव मिलकर उस पापी को नोच कर खाते हैं। गरुड़ पुराण की सबसे अंतिम सजा अविची। अविची के अनुसार यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर उन्हें ऊपर से फेंक दिया जाता है और वे पापी सतह तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह राख हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके अनुसार कौन सी सजा गरुड़ पुराण की सबसे खतरनाक सजा में से एक है? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ साथ आपका प्यार हमारे साथ हमेशा यूं ही बनाए रखें।